बच्चों के स्कूल आपको लिए चलते हैं भरतपुर, और जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब स्थितियां फेल होती है तो फिर अंतर नहीं होता है। हाँ, अलग अलग खेमों में अलग अलग राजनीति के जरिए विरोध जरूर होता है, तो जरा भरतपुर के इस स्कूल को देख लीजिए, आदर्श विद्यालय है ये। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलंग कामा भरतपुर। बुलंद दरवाजा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नाम। ये वो स्कूल है जो राजस्थान सरकार के आदर्श विद्यालयों में से एक, लेकिन इस आलीशान दरवाजे को लांघते ही आदर्श विद्यालय का सारा भ्रम एक झटके में चूर चूर हो जाता है। जर्जर और खाली इमारत, दरारों से भरी इमारत, उसकी दीवारें जंग खाकर कमजोर हो चुका लोहे का गट जो कभी भी गिर सकता है, कच्चे पत्थरों से पटा छत और छत से लटका एक पंखा जो ना जाने कितने बरस से बिजली न मिलने की वजह से प्राण त्याग चुका है, और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते ये देश के वो भविष्य जो कहने को तो आदर्श स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन बैठने के लिए टाट की बोरी से ज्यादा कुछ भी मयस्सर नहीं। और इस स्कूल में ऐसे 100 या 200 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बच्चे जो उज्जवल भविष्य की तलाश में स्कूल की चौखट पर पहुंच गए। पर्याप्त बिल्डिंग है, बच्चे और हमारे अध्यापक हैं वो भय के साए में पढ़ रहे हैं और अध्यापक उनको भय के साए में ही पढ़ा रहे हैं। पानी भरा हुआ है, क्षतिग्रस्त भी है, बिल्डिंग की शॉर्टेज है, 1000 बच्चों का नामांकन है, स्टाफ भी शॉर्ट है। तो ये राजस्थान के आदर्श शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर है। राजस्थान सरकार के शिक्षा महकमे तले देश का भविष्य कितना सुरक्षित ये भी जानते हैं। देश की औसत साक्षरता दर से 7% नीचे है राजस्थान की साक्षरता दर, और साक्षरता के मामले में राजस्थान 29 राज्यों में से 26वें नंबर पर है, यानी नीचे से तीसरा। और राजस्थान के आधे से ज्यादा स्कूलों में तो खेलने का मैदान तक नहीं। पर वसुंधरा सरकार को इसकी सुध लेने की जरूरत नहीं, ये चुनावी बरस है, लिहाजा योजनाओं का ताबड़तोड़ ऐलान तो होगा और पूरी मशीनरी अलवर की लिंचिंग को दबाने में भी जुटेगी। पर स्कूलों की सुध कौन लेगा, जहां बच्चे पढ़ते हैं वो तो वोटर भी नहीं होते। ये है ABP News, आपको रखे आगे।